नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश में जबलपुर से सामने आए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की तस्वीरें के बाद पुलिस और प्रशासन की लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। कल यहां दो मेडिकल स्टोर को सील किया गया था, तो वहीं आज आधारतला स्थित सत्येंद्र मेडिकोज को भी सील कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार सत्येंद्र मेडिकोज का संचालक गुजरात पुलिस की गिरफ्त में आए मास्टरमाइंड सपन जैन का चाचा है और प्राथमिक पड़ताल में यह बात सामने आई है कि यहां से भी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप को खपाया गया था। आपको बता दें कि बीते दिनों गुजरात पुलिस द्वारा जबलपुर के रहने वाले सपन जैन को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से जबलपुर में लगातार ताबातोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। मामले में शहर के बड़े अस्पतालों में शुमार सिटी अस्पताल के संचालक सर्वजीत सिंह मोखा का नाम आरोपी सपन जैन द्वारा गुजरात पुलिस को बताया गया है। ऐसे में जबलपुर पुलिस को यह जानकारी गुजरात पुलिस द्वारा दी गई है, जिसके आधार पर जबलपुर पुलिस ने सिटी अस्पताल पहुंच जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस की पड़ताल शुरू होने के साथ ही अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा की तबीयत बिगड़ने की जानकारी भी सामने आई है। फिलहाल मामले में जांच अधिकारी एडिशनल एसपी रोहित काशवानी का कहना है कि पुलिस को जिस आधार पर सबूत प्राप्त हो रही है, उसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही मामले से जुड़े हुए कई चेहरे बेनकाब भी हो सकते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। गुजरात में कुछ नकली इंजेक्शन पकड़े गए थे, तो वहाँ से टीम आई थी 7 तारीख को रात को। वो सपन जैन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके वो लेकर गए। तो इसमें हमने सपन जैन के जो भी मेडिकल स्टोर थे वहाँ पर हमने सील करवाया उनको, और उनके घर पर भी तलाशी ली जा रही है। कितने मेडिकल स्टोर सील हुए हैं? 3 मेडिकल स्टोर सील हुए हैं, भगवती फार्मा, सत्येंद्र मेडिकल और सत्य मेडिकल। सिटी हॉस्पिटल के संचालक हैं सरबजीत सिंह मोखा, उनका नाम भी आ रहा है कि उनके माध्यम से सप्लाई हुआ। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ये जांच का विषय है, जांच की जा रही है, जैसे भी आएगा आपको अवगत कराएंगे। क्या कुछ ऐसे तथ्य नजर आए हैं? हालांकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, तो क्या जो आरोपी सपन जैन है, क्योंकि उन्होंने नाम भी लिया है, तो ऐसे में आप इन्वेस्टिगेशन किस मोड़ पर? आरोपी सपन जैन है, उनसे हमारी डायरेक्ट बातचीत नहीं हो पाई है, उन्हें गुजरात पुलिस ले गई है। हम उनसे संपर्क कर रहे हैं, तो जो बताते हैं उनके तथ्यों के आधार पर भी जांच की जाएगी। हम अन्य तथ्यों की भी जांच कर रहे हैं, यहाँ पर भी अगर इंजेक्शन आए हैं, कहाँ गए हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। अभी तक सर जबलपुर में कितने नकली रेमडेसिविर के उपयोग होने की जानकारी है? अभी तक एग्जैक्ट फिगर कुछ नहीं आया है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।